ये जितने कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है ना, अपनी जान बचाने के लिए अपने को धर्म से जोड़ते हैं। इन बेवकूफों से पूछो कि धर्म में तो आतंकवाद होता ही नहीं। धर्म तो मन की शांति के लिए, आतंकवाद के लिए थोड़ी है। जो धर्म आत्मा का शुद्धिकरण करे, जो धर्म पवित्रता दे, जो धर्म मानसिकता में पवित्रता का समावेश करे, जो धर्म आपकी मानवता के गुणों को, वो धर्म आतंकवादी कैसे होगा? देयर इज ए नो टेररिज्म इन एनी रिलीजियन। इस्लाम में, हिंदुत्व में, सिख में, जैन में, बौद्ध धर्म में आतंकवाद कहाँ है? अबे आतंकवाद धर्म में नहीं है, आतंकवाद संगठन में है। अच्छा बताओ, ये अलकायदा कोई धर्म है या संगठन है? तालिबान धर्म है या संगठन है? ये नक्सलवादी धर्म है या संगठन है? ये बोडो धर्म है या संगठन है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, संगठन में है तो आतंकवादी है, धर्म में नहीं है। धर्म में तो जगह ही नहीं है। आत्मसमर्पण करो। जब धर्म आपको सजदा करवाता है तो आतंकवादी कैसे बनाएगा? तो फिर ये तो नहीं कहा गया रोजा रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। न जाने कितने रोजेदार कारोबार कर रहे हैं, कैसा कैसा कर रहे हैं। अच्छे भी है, हर समुदाय में अच्छे बुरे होते। तो इन आतंकवादियों के चक्कर में मत पड़ियो। आप पे अत्याचार होता है, होने दो, हम अत्याचारी नहीं बनेंगे। हम पे जुल्म होता है, हम सह लेंगे। अहले बैत पर करबला की धरती में जुल्म हुआ, मगर अहले बैत आतंकवादी नहीं बने, हम भी नहीं बनेंगे। ये थोड़ी है कि प्रतिक्रियावादी हो जाए, नहीं होंगे। अपने रब की मर्जी समझेंगे, आजमाइश समझेंगे, इम्तिहान समझेंगे। जो हुसैन ने समझा वो हम भी समझेंगे। अच्छे इंसान बनो तब मजहब के लायक हो, अच्छे इंसान ही नहीं हो तो। धर्म जो है पशुओं के लिए थोड़ी है, इंसानों के लिए। तू इंसान है ही नहीं तो धर्म घुसेगा कहां? पहले एक अच्छा आदमी बनो, अच्छा इंसान बनो। पशु प्रवृत्ति को छोड़ो, जानवरों की नकल बंद करो, जानवर को रिश्तेदारी मालूम नहीं तुम मालूम करो, जानवर को अपनी अम्मा की पहचान नहीं तुम पहचानो, जानवर अपने पिता को जानते ही नहीं तुम अपने पिता को समझो। विचार लो कि मर्त हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, सभी याद करें, वर्ग विशेष नहीं।